नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मेलबोर्न से फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये लेरिंग से हमने जो ग्रो किया है वो प्लांट है मलबेरी का। देखिए कितनी अच्छे से इसने ग्रोथ स्टार्ट की है। काफी जो इसकी जो ब्रांच है कितनी ऊपर की तरफ जा रही है, मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो इसकी ब्रांच है देखिए कितनी लंबी और ऊपर तक ग्रो की है इसने। इसी तरह से हर ब्रांच पे ये इसकी ब्रांच है और जितनी भी ब्रांच आपको दिख रही है सारी न्यू है। हमने इसको पोर्ट करने के बाद ये ग्रो की है। और दोस्तों, जैसे कि मेरे बाकी मलबेरी के ट्री हैं उनकी तरह इनके अंदर भी फ्रूट्स दिखेंगे। देखो मैं आपको अभी दिखाता हूं, ये देखिए इस पे भी फ्रूट लगे हुए हैं। हर ब्रांच पे फ्रूट्स लगे हुए मिलेंगे आपको। यहां पे भी फ्रूट लगा हुआ है, यहाँ ऊपर भी। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे भी फ्रूट लगे हुए हैं और प्लांट काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ओके दोस्तों, मैं अभी इन ब्रांचों को थोड़ा ग्रो होने दूंगा, बिकॉज अभी ये कच्ची है तो इन पे वायरिंग अभी हम नहीं करेंगे। जब ये थोड़ी मैच्योर हो जाएगी तब हम इन पे वायरिंग करेंगे। मलबेरी को ग्रो करना काफी ईजी है, मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है। हम इसको कटिंग से और एयर लेयरिंग दोनों से ग्रो कर सकते हैं। इसके आपको रूट्स दिखाता हूँ नीचे से, ये देखिए यहाँ पे भी इसकी रूट्स अच्छे से ग्रो हो रही है साइडों में, ये देखिए। तो इसकी नेवरी भी अच्छी बनेगी। इसकी जो ये ब्रांचे, जो पहले से जो ब्रांचे थी बड़ी वाली, इनकी शेप पहले से कुछ ठीक है। बाकी मैं इस पे जब ये थोड़ा मिच्योर हो जाएगा मोटी वायर से इनको थोड़ा बैंड करके शेप दूंगा अच्छा। ओके दोस्तों मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। ये जो मैंने प्लांट्स रखने के लिए मैंने एक रूम रखा हुआ है, तो उस रूम के अंदर जो कैट है उसने बच्चे दे रखे हैं छोटे छोटे। मैं आपको उनमें से एक छोटा बेबी दिखाता हूं, ये देखिए बिल्कुल निन्ना सा है। ये शायद एक या दो दिन के अंदर ही जन्म लिया है, शायद कल या परसों। जब आज मॉर्निंग में प्लांट चेक करने गया तब मैंने इसको देखा था। देखिए कितना प्यारा सा है, बिल्कुल छोटा सा है। जब मैं अंदर गया तो इसकी मदर यहाँ से गो हो गई। ओके दोस्तों, मैं इसको अंदर छोड़ के आता हूँ। ये बाय मिस्टेक बाहर आ गया, बिकॉज इसकी मोम यहाँ से गई तो ये डर के मारे बाहर आ गया। मैं इसको अंदर छोड़ के आ रहा हूँ रूम के अंदर। दोस्तों मलबेरी को जो बिल्कुल ड्राई नहीं रखना, इसको सोइल में मॉइस्चराइजिंग रखनी है और ओवर वाटरिंग नहीं करनी तो ये अच्छे से ग्रो करता है। हाँ, इसके अंदर जो दीमक होती है उसका ध्यान रखना है। दीमक और जो छोटी चींटियां होती है वो बहुत जल्दी इसके सोइल के अंदर लग जाती है। चींटियां लगने से भी जो प्लांट है वो जल्दी खराब होता है, बिकॉज चींटियां क्या करेंगी, सारी जो इसकी मिट्टी है बाहर निकाल देगी और रूट्स पे हवा लगने लग जाएगी, जिससे वो ड्राई होती चली जाएगी और प्लांट हमारा मर जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें इसमें कि इसके रूट्स में चींटियां या दीमक ना लग पाए। बाकी ये ट्री अच्छे से ग्रो करता है, काफी फास्ट ग्रो करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।